यूक्रेन पर हमला करना रूस के लिए गले की फांस बन गया है। रूस ने 9 दिन में यूक्रेन को रौंदने का ख्वाब देखा था, लेकिन 90 दिनों के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग जारी है। दोनों देशों को भारी नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन जंग से जहां रूसी लोग शर्मिंदगी झेल रहे हैं, वहीं यूक्रेन के लोग गर्व के साथ सिर उठाकर लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहते। हाल ही में रूस के एक डिप्लोमेट बोरिस वोंदरेव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जंग से हुई तबाही को इस्तीफे का कारण बताते हुए लिखा कि मुझे मेरे देश पर शर्म आती है। बोरिस संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत थे। अपने इस्तीफे के साथ उन्होंने लिखा, मैं पिछले 20 साल से राजदूत के पद पर हूँ। मैंने इस दौरान अपने कार्यकाल में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, देश की विदेश नीति में कई बदलाव देखे हैं, लेकिन 24 फरवरी को जो हुआ उससे मैं अपने देश पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। तब लग रहा था कि रूस यूक्रेन को जल्द हरा देगा, लेकिन नाटो और दुनिया से मिले समर्थन के बाद यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है। हालांकि देश का ज़्यादातर इलाका रूसी बमबारी से तबाह हो गया है। रूस ने यूक्रेन की इमारतों, सड़कें, एयरपोर्ट सब तबाह कर दिए हैं। इधर जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी रूस को भारी क्षति पहुंचाई है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि रूस को इस जंग में इतना नुकसान हुआ है कि वो अगले दशकों तक भी अगली जंग के बारे में सोचेगा नहीं। यूक्रेन का दावा है कि 24 मई तक उसने इस जंग में 29,350 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे हैं। 13 जंगी जहाज, 480 ड्रोन, 1,302 टैंक, 3,194 बख्तरबंद गाड़ियाँ, 604 आर्टिलरी सिस्टम, 201 मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, 93 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, 205 प्लेन, 170 हेलीकॉप्टर, 2,213 सैन्य वाहन और 76 फ्यूल टैंक के साथ 110 क्रूज मिसाइलें तबाह की हैं। वहीं यूक्रेन की ओर से यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का ताज़ा आंकड़ा नहीं दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 15 अप्रैल को बताया था कि जंग में यूक्रेन के 2,000 से 3,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा सैनिक जख्मी हैं।